क्या तुम पूरा दिन सोशल मीडिया पर रहना पसंद करते हो? क्या बार बार ऐसा लगता है कि यार बस एक बार इसको चेक कर लूं, कुछ नया किसी का अपडेट आया होगा या तो किसी ने मेरे प्रीवियस चैट को रिप्लाई किया होगा, बस एक बार चेक करता हूं। और ऐसा करते करते तुम शायद से पूरे दिन में 100, 200, 300 पता नहीं कितनी ही बार मोबाइल को अनलॉक करते हो और सोशल मीडिया पर जाते हो। तुम ये सब छोड़ना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। अगर तुम कंट्रोल में सोशल मीडिया यूज करते हो तो फिर भी ये वीडियो देखो। आज हम वही किसी बातें करने वाले हैं, सोशल मीडिया ज्यादा यूज करने से क्या होगा, कैसे वो तुम्हारे मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट करता है, कैसे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कम या गायब ही हो जाती है, और कैसे डूबे डूबे और खोए खोए रहते हो तुम यानी कि मैं भी। ये कहानी का मेन किरदार वो इंसान है जो सोशल मीडिया पे पूरा दिन रहता है, पर उसे अंदर ही अंदर से कहीं ना कहीं पता है कि यार ये तो मेरे लिए सही नहीं है, मैं इसे छोड़ दूंगा और इसे छोड़ना ही पड़ेगा। बट भाई कम कैसे करूं, होगा कैसे वो तो बाद में देखेंगे। पहले इसके फायदे समझ लेते हैं कि सोशल मीडिया छोड़ने के बाद तुम्हें क्या क्या फायदे होने वाले हैं। इसके वही फायदे होंगे जो कि एक एडिक्शन को छोड़ने के बाद फायदे होते हैं, जैसे कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, अच्छी चीजों पे तुम ध्यान दे पाओगे, घर वालों से सब सही होगा, रिलेशनशिप्स सुधर जाएंगे, लाइफ की क्वालिटी बेटर होगी, अच्छे से नींद आएगी और जो पूरा दिन बेचैनी होती है वो गायब हो जाएगी। और सबसे मेन चीज तो ये है कि तुम खुद के लिए बहुत ज्यादा टाइम दे पाओगे। फायदे तो समझ आ गए, पर ऐसी क्या चीज है जो हमें सोशल मीडिया छोड़ने नहीं देती? सबसे बड़ी चीज तो है फोमो, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि हमें ऐसा लगता है कि यार आज इंस्टा, फेसबुक या स्नैपचैट या जो भी है अगर नहीं देखा तो कुछ मिस हो जाएगा, मुझे कुछ पता नहीं चलेगा दुनिया में क्या हो रहा है। गलती हमारी सिर्फ इतनी ही है कि हमने सोशल मीडिया को ही हमारी दुनिया मान ली है, पर वो सच नहीं है। वो थोड़ा सच हो सकता है पर वो पूरा सच नहीं है। कोई कोई लोगों को तो ये भी लगता है कि अगर मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहा तो लोग मुझे भूल जाएंगे और इतने सालों में मैंने जितने भी कनेक्शंस बनाए हैं वो सारे टूट जाएंगे या फिर मैं कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दूंगा। तो सुनो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें तो स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था कि सोशल मीडिया छोड़ने के क्या फायदे हैं और उनके नुकसान कुछ ज्यादा नहीं है, बस फायदों को उल्टा कर दो। जैसे कि फ्यूचर में एंजाइटी हो सकती है, अभी है अगर तो वो बढ़ जाएगी, सेल्फ एस्टीम कम होगा तुम्हारा, खुद की वैल्यू तुम्हारे सामने ही कम होगी, ऐसा लगेगा कि यार सबकी लाइफ इतनी मजेदार है, सिर्फ मेरी ही लाइफ के लगे पड़े हैं। पर ऐसा सच नहीं है। एक बात याद रखो, इंस्टा और इंसान दो अलग अलग चीज है। जैसा इंस्टा पे दिखता है वैसा सच्ची में नहीं होता, वो बस एक दिखावा है। सोशल मीडिया से ये हो सकता है कि तुम्हारे कनेक्शंस थोड़े बढ़ जाए, पर रियल लाइफ में जो लोग है तुम्हारे आसपास, जैसे कि फैमिली, फ्रेंड्स, पड़ोसी, हर कोई, उनसे तुम डिस्कनेक्ट होने लग जाओगे और लाइफ तुम्हें बकवास लगने लगेगी। फिर क्या मतलब है यार, लाइफ सबसे प्यारी चीज है जो हमें मिली है और सबसे कीमती भी है। अगर वही तुम्हें बकवास लगने लगे तो भैया ये प्रॉब्लम है, सबसे गलत बात है ये। तो तुमको अभी पता चल गया है कि सोशल मीडिया के नुकसान क्या है और इसको छोड़ने के बाद फायदे क्या हो सकते हैं। पर भैया ये करे कैसे, इसको छोड़े कैसे? इसका जवाब है बस छोड़ो। छोड़ने के दो तरीके हैं और मुझे दूसरा तरीका पसंद है। पहला तरीका ये है कि हर दिन थोड़ा थोड़ा कम करो, एक दिन बंद हो जाएगा, जो कि सही तरीका है ज्यादातर लोगों के लिए, पर मेरे लिए नहीं। दूसरा तरीका है कि कम्प्लीटली बंद कर दो, अचानक भयानक में, उससे दर्द होगा पर तुम जल्दी छोड़ पाओगे। अब तुम सोचो तुम्हारे लिए कौन सा तरीका है, कैसे छोड़ना है। अगर ये डिटेल में जानना चाहते हो तो कमेंट में बताओ, मैं एक नया खतरनाक वीडियो निकालूंगा जिसमें तुमको बताऊंगा कि इसको कैसे छोड़े। बस अपनी लाइफ पे फोकस करो, अपनी फैमिली पे फोकस करो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, अपने करियर पे फोकस करो। अगर यूज करना ही है सोशल मीडिया तो फिर एक लिमिट तक करो, जिम जाओ, भागने जाओ, मेडिटेशन करो, बुक्स पढ़ो, प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में जानो जिनसे तुम अपना स्क्रीन टाइम कम कर सकते हो, काफी मदद करेगा तुम्हारी। अलग कोई एक्टिविटीज ढूंढो जिनमें से, जिसके वजह से तुम कहीं अपना मन और लगा सकते हो, सोशल मीडिया कम कर सकते हो, पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करो और असली इंसानों से कनेक्शंस बनाओ जो तुम्हारे आसपास है, उससे तुम अच्छे इंसान बन पाओगे और एंड में तुम्हें भी वो अच्छा लगेगा। मतलब किसको पसंद नहीं है यार असली इंसानों से बात करना, मतलब कोई कोई लोगों को पसंद नहीं है बट मेजॉरिटी लोगों को तो वो पसंद है।
तो आज की वीडियो से अगर कुछ चीज सीखनी है तो यही सीखो कि ध्यान से देखो और समझो तुम कैसे सोशल मीडिया यूज करते हो, कितना देर करते हो और उसे कम या बंद करने की कोशिश करो। वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा होगा तो तुमने ऑलरेडी लाइक किया होगा। किसी और को भेजना है ये वीडियो तो फिर इसे शेयर कर दो, और सब्सक्राइब करने का मन कर रहा है तो कर दो, लेकिन सोशल मीडिया छोड़ने के बारे में सोचो जरूर।